नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। इस बुलेटिन में आज बात होगी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, वाराणसी में पीएम मोदी के शिव भक्त अवतार की, जानेंगे कि राहुल गांधी ने क्या खेला नया कार्ड, अब किसने जारी की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट, और आखिर में बात अंबानी परिवार के हवाले केदारनाथ धाम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ममता बनर्जी ने की मोदी सरकार को हराने की अपील, कहा जो रफाल फाइलों को नहीं बचा सका वो देश की रक्षा कैसे करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार पर फिर कसा तंज, कहा देश में 48 सैटेलाइट हैं, लेकिन सरकार को पता ही नहीं कहां पेड़ है और कहां ढांचा। गुजरात में कांग्रेस को लगा एक और झटका, मनवाडार निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी विधायक जवाहर चावड़ा ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल हुए चावड़ा। पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए जया पांडा को मिली पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी ने उपाध्यक्ष और प्रवक्ता पद पर किया नियुक्त। और मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 54 अंकों की गिरावट के साथ 36671 पर पहुंचा, निफ्टी 23 अंकों की कमजोरी के साथ 11035 पर हुआ बंद। आम चुनाव से पहले मंदिर निर्माण के लिए आवाजें बुलंद की जा रही थी। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस समेत कई हिंदू संगठन केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे थे कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण कराया जाए। इस मांग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का आदेश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो पूरे मामले का हल ढूंढेगी। पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में मध्यस्थता की वकालत की थी और सभी पक्षों से मध्यस्थों के नाम मांगे थे, उस वक्त लगा था कि शायद अदालत आज मध्यस्थता पर मुहर लगा सकती है, और उम्मीद के मुताबिक आज सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का आदेश सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 सदस्यीय समिति तैयार की है जो विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाएंगे। इस समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला होंगे और उनके साथ आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू इसके सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों के पैनल को 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि पैनल 4 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दे और 8 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। इसके अलावा उन्हें ये भी छूट दी गई है कि अगर उन्हें अधिक समय चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक समय मांग सकते हैं, यानी साफ है कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या मसले पर किसी तरह का फैसला आने की उम्मीद नहीं है। वहीं इस दौरान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने प्रिंट और विजुअल मीडिया दोनों को मध्यस्थता की कार्यवाही की रिपोर्टिंग न करने को कहा, तो कोर्ट के फैसले से साफ है कि अब मध्यस्थता के जरिए मंदिर का हल निकलेगा। इस फैसले पर तीनों मध्यस्थों ने खुशी जाहिर की है। तीनों का कहना है कि इससे सकारात्मक हल निकाला जा सकेगा। जहां ज्यादातर लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ने भी फैसले का समर्थन किया है, लेकिन श्री श्री रविशंकर प्रसाद को मध्यस्थ बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। ओवैसी का कहना है कि श्री श्री निष्पक्ष नहीं है, अगर वो निष्पक्षता से काम करे तो ही विवाद का हल निकाला जा सकता है। राम मंदिर पर आज कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मध्यस्थता से ही इसका हल निकलेगा, लेकिन लगता है बीजेपी कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। तभी तो उसके नेता हर मंच से राम मंदिर की वकालत कर रहे हैं। अपने इस एजेंडे को बनाए रखने के लिए ही अब पीएम मोदी ने एक बार फिर हिंदुत्व कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। आज वाराणसी में पीएम मोदी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी, साथ ही इस दौरान अन्य कई जिलों में परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी का शिव भक्त अवतार देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी की शिव भक्ति देखिए। आम चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी का हिंदुत्व कार्ड सामने आया है। दरअसल आम चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन तो किया ही, साथ ही इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव भी रखी और कहा कि बाबा भोलेनाथ काफी वर्षों से बंधे हुए थे, लेकिन आज इस काम से उन्हें भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि माँ गंगा को सीधे बाबा भोलेनाथ से जोड़ दिया गया है, जिससे श्रद्धालु गंगा स्नान करके सीधे भोले बाबा के दर्शन करने आ सकेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने इशारों में विपक्ष पर वार भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस कॉरिडोर को बनाने में काफी मुश्किलें आई थी, कुछ लोगों ने झूठ भी फैलाया, लेकिन अफसरों के शानदार काम की बदौलत अब ये सच्चाई बन रही है। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने महिला सम्मेलन को भी संबोधित किया और महिलाओं की समाज में भागीदारी को सराहा। वाराणसी के बाद पीएम कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 660 मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन और वितरण इकाई का उद्घाटन किया, साथ ही कानपुर मेट्रो रेल का उद्घाटन कर विकास का नारा बुलंद किया।
आम चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी अब मंदिर और विकास की राजनीति कर रहे हैं ताकि सत्ता का सिंहासन एक बार फिर मिल सके। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी चुनावी प्रचार में जुटे हैं। कल पंजाब और हिमाचल के दौरे के बाद आज राहुल गांधी ओडिशा और गोवा पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, साथ ही कई अहम ऐलान भी किए। वैसे तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार महिला आरक्षण की वकालत कर चुके हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने एक बार फिर महिला आरक्षण की वकालत करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। तो में हम महिला रिजर्वेशन लाए और उससे काफी महिलाओं को फायदा मिला और उनकी जो आवाज है वो पंचायतों तक पहुंची। मगर अगर आप मंत्रिमंडल देखें, उड़ीसा का मंत्रिमंडल देखें, शायद यहां पे सिर्फ दो महिला मंत्री। तो लोकसभा विधानसभा में उनकी जगह बननी चाहिए और ये रिजर्वेशन के माध्यम से हो सकता है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम विमेन रिजर्वेशन को लोकसभा में पास करने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा को पास करने की कोशिश करेंगे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज ओडिशा के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कोरापुट जिले के जयपुर में महिलाओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया और लोगों से समानता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को तोड़ने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ओडिशा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। कार्यक्रम में राहुल गांधी पहले तो महिलाओं की हिस्सेदारी पर बोलते रहे, लेकिन इस दौरान वो रफाल का मुद्दा भी बीच में ले आए। राहुल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को धोखा दिया है, अपने दोस्त की मदद के लिए पीएम मोदी ने एचएएल से सौदा छीन लिया। ओडिशा में तो कांग्रेस अध्यक्ष ने रफाल के मुद्दे पर सरकार को घेरा ही, वहीं गोवा में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए देश के चौकीदार को चोर बताया। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वो इस सरकार को सबक सिखाए। तो जनता अब राहुल का साथ देती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आम चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम हैं, जबकि एक दिन पहले कांग्रेस ने भी यूपी और गुजरात के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ये बात समाजवादी पार्टी और बीएसपी बखूबी जानते हैं। तभी तो दोनों दलों ने काफी पहले ही गठबंधन का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, सीटों का बंटवारा भी कर दिया था, जिसके तहत सपा को 37 सीटें, बीएसपी को 38 और आरएलडी को 3 सीटें दी गई हैं। इन तमाम औपचारिकताओं के बाद अब समाजवादी पार्टी ने सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव को मैदान में उतारा है, बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया, फिरोजाबाद से पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुना गया है, बहराइच से शब्बीर वाल्मीकि ताल ठोकेंगे, रॉबर्ट्सगंज से भाईलाल कोल को और इटावा सीट से कमलेश कठेरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सपा से एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें उत्तर प्रदेश की 11 और गुजरात की 4 लोकसभा सीटों के लिए नाम तय कर दिए गए हैं। यूपी के लिए जारी लिस्ट में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में निर्मल खत्री, आरपीएन सिंह, सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद, अनु टंडन, जितिन प्रसाद, सोनिया गांधी और खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम शामिल हैं। वहीं गुजरात के लिए जिन 4 नामों की घोषणा की गई है, उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भारत सिंह सोलंकी को आनंद, प्रशांत पटेल को वडोदरा, रणजीत मोहन सिंह को छोटा उदयपुर और राजू परमार को अहमदाबाद वेस्ट सीट से उतारा गया है। वैसे कांग्रेस से लिस्ट जारी करने से पहले तक खबरें ऐसी आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा गठबंधन में शामिल हो सकती है। कहा जा रहा था कि दोनों दलों ने कांग्रेस के सामने 15 सीटों का ऑफर रखा है, जिसे कांग्रेस ने लगभग मान लिया है, लेकिन शाम होते होते इन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सपा बसपा को झटका देते हुए 11 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आज सपा ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। देश की सियासत में उत्तर प्रदेश क्या अहमियत रखता है, ये जग जाहिर है। तभी तो सभी दल यहाँ नजरें गड़ाए हुए हैं। यही वजह है कि अब ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें भी सूबे पर टिकी हैं। खबर है कि वो इस बार हैदराबाद छोड़ यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और वो किस सीट से ताल ठोक सकते हैं, अब इसकी खबरें भी सामने आने लगी हैं। पिछले काफी वक्त से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश के किसी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन वो किस सीट को चुनेंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ था। मगर अब खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी अलीगढ़ सीट से चुनावी ताल ठोक सकते हैं।
यूथ विंग के प्रदेश महासचिव सैयद नाजिम अली ने बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि असदुद्दीन ओवैसी अलीगढ़ सीट से किस्मत आजमा सकते हैं, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। वहीं इस खबर के बाद से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। आपको बता दें कि अलीगढ़ लोकसभा सीट काफी अहम सीट है। इस सीट पर मुस्लिम वोटरों का काफी प्रभाव है। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के कारण यहाँ के मुस्लिम वोटरों का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है। अलीगढ़ जिले में करीब 20% मुस्लिम जनसंख्या है। अलीगढ़ लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती है। इनमें खैर, बरौली, अतरौली, कोल और अलीगढ़ सीटें शामिल है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ये सभी पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। आपको बता दें कि अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी काफी सुर्खियों में रही है। बीते साल मई में यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर काफी बवाल हुआ था, जबकि कुछ वक्त पहले भी यहाँ असदुद्दीन ओवैसी के आने को लेकर भी विवाद हुआ था। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद से निकलकर यूपी से ताल ठोकने का मन बना लिया है, ताकि वो अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत बना सके। वहीं चुनाव को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा दांव खेला है। उन्होंने बीजेपी की बोली में ही बीजेपी को जवाब देते हुए हिंदुत्व कार्ड खेला है। देश में जब भी चुनाव होते हैं, राजनीतिक दलों का हिंदुत्व कार्ड बाहर आ ही जाता है। बीजेपी तो इसी एजेंडे पर चलती है, ये तो जग जाहिर है। वहीं अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी के हिंदुत्व कार्ड पर अपना कार्ड खेलते हुए उन्हें ही चेतावनी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, आप इसको ट्विटर पे फॉलो करते हो, आपका चेला है, भाजपा का पदाधिकारी है, गाली हमारे वाले भी दे सकते हैं, पर हम हिंदू हैं, हमारी हिंदू सभ्यता हमें गाली देना नहीं सिखाती। यहाँ ट्वीट में जिसकी बात हो रही है वो है महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत वाघ, जिन्होंने पिछले दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने पर उन्हें जमकर घेरा था। अवधूत वाघ ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर उन्हें पाकिस्तानी सेना का एजेंट बता दिया था। केजरीवाल को घेरते हुए वाघ अपनी मर्यादा तक लांघ बैठे थे, जिस पर अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वाघ के सहारे पीएम मोदी को तो घेरा ही है, साथ ही हिंदू सभ्यता का जिक्र कर एक तरह से पलटवार करने की कोशिश की है। वैसे आपको बता दें कि केजरीवाल ने पिछले दिनों भी ऐसा ही एक दांव खेला था, जब वो गो प्रेम दिखाते हुए गौशाला पहुंच गए थे और गायों के रखरखाव के लिए बड़ी बात कही थी। और बुलेटिन के आखिर में बात अंबानी परिवार के हवाले केदारनाथ धाम की। मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार कहा जाता है। आरोप लगते रहे हैं कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, देश की ऐतिहासिक धरोहर अंबानी और अडानी के हाथों में चली गई है। वहीं अब अंबानी परिवार की पहुंच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी तक भी बन गई है, जिसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने जहां कई नेताओं को राज्य मंत्री बनाया है, तो वहीं कई समितियों में विशेष सदस्य नियुक्त किए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने एक ऐसा ही फैसला मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के लिए भी लिया। सरकार ने अनंत अंबानी को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी का सदस्य नियुक्त कर दिया है। चार धाम में शामिल इस मंदिर का समस्त प्रबंधन और प्रशासन यही कमेटी करती है, जिसमें अनंत को जगह मिली है। अनंत अंबानी के अलावा मुख्यमंत्री टीएस रावत ने 30 अन्य लोगों को विभिन्न सरकारी कॉरपोरेशनों और संस्थाओं में नामित किया है। इसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि अंबानी परिवार का इन दोनों धामों से गहरा नाता है, और हर बार जब भी उनके घर में कोई विशेष आयोजन होता है, वे इन धामों की यात्रा पर आते हैं। कहा जा रहा है कि इसे देखते हुए ही सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मंदिर समिति एक्ट 1939 के सेक्शन 7 और 5 में साफ तौर पर तय है कि समिति से राजनीति का कोई संबंध नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से अपने लोग और कॉरपोरेट घराने के लोगों को जगह देना समझ से परे है। वहीं कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि ऐसा करके सरकार ने एक तरह से केदारनाथ मंदिर को ही अंबानी परिवार के हवाले कर दिया है, जो मन मुताबिक फैसले लेंगे। तो आज की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।